नाउ कम टू इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ आपके जो इम्पॉर्टेंट बोले ना डिफाइन या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन या लॉन्ग आंसर में इस क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, टोटल चैप्टर कितने बाका है? और 12, मतलब ऑप्शन के साथ 12 मार्क का पूछा जाएगा और आपको 8 मार्क का टोटल चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने प्रतिशत भारतीयों को पता है सर इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, द लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड शो देयर इज एन रिलेशनशिप बिटवीन, पता है रिलेशनशिप क्या होता है? सॉरी यू आर सिंगल, है ना, तुमको क्या पता होगा रिलेशनशिप क्या होता है? यू ऑल आर सिंगल ना, तुम लोग के अंदर से ऐसा क्यों दिखती नस पे हाथ, क्या दुखती नस पे हाथ रख रहे हो, होता आता है बेटा। यहाँ पे रिलेशनशिप किसकी पूछा जाए, देखो क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, बताओ प्राइस और क्वांटिटी, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कौन सा रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया था? पक्का यहाँ पे क्या लिखूं, इनवर्स, तुम लोग बोलते तो मैं लिख लेता हूँ इनवर्स। पीछे से एक और आंसर आया था, क्या आया था एक और आंसर था, सही बोल रही है, बोल जोर से बोलो नहीं बेटा आंसर, हाँ बोलो एक और रिलेशन है फंक्शनल रिलेशनशिप, और कौन सा रिलेशनशिप है बताओ घबराओ मत, इनडायरेक्ट। आप तीन में से कुछ भी लिखोगे तो भी आपको आंसर उतना ही मिलने वाला है, मार्क्स उतना ही मिलने वाला है, बट अगर कोई मुझे कहे तो कौन सा करेक्ट है तो मैं बोलूंगा इनवर्स या फंक्शनल करेक्ट है। इनवर्स भी क्यों है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर, इनवर्स रिलेशनशिप। और फंक्शनल इसीलिए कहा जाता है कि डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, ऐसे बोला गया है, यस और नो? डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज बेस्ड ऑन द फैक्टर दैट इज प्राइस, इसीलिए इसको फंक्शनल रिलेशनशिप भी कहा जा सकता है, यस और नो? तो अब नेक्स्ट वही है, बट द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सिस्टेंट ऑफ अ चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन डिमांड ड्यू, सॉरी यहां पे डबल आ गया है, ठीक है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यानी लॉ ऑफ डिमांड में ये तो कहा गया है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, बट लॉ ऑफ डिमांड में ये नहीं बताया गया है कि कितना परसेंट प्राइस बढ़ेगा तो कितना परसेंट डिमांड घटेगा। यानी इट डज नॉट एक्सप्लेन कि सर उसका एक्सटेंट कितना है, चेंजेस होगा वी नो, प्राइस बढ़ेगा कम होएगा वी नो, हमको पता है, बट उसका जो मेजरमेंट क्वालिटी है या एक्सटेंशन है या एक्सटेंट है कॉन्टेक्स्ट है वो कितना है वो अपने को पता नहीं है। इस वजह से द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स टू एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसी वजह से लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग कह सकते हैं कि वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बनाने में असफल रहा, बिकॉज वो ये नहीं बता सकता कि कितना परसेंट प्राइस और कितने परसेंट डिमांड में उसकी चेंजेस आई हुई है। इसीलिए देयरफॉर डॉक्टर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड के अनसक्सेसफुल होने के बाद, यानी ऐसा नहीं बोला है कि वो पूरा तरीके से अनसक्सेसफुल है, वो बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है सर, करेक्ट है। यानी जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे तो भाई वो लॉ ऑफ डिमांड पूरी तरीके से जस्टिस करता है,
बट जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी से उठकर कितना परसेंट, कितने परसेंट डिमांड, कितना परसेंट चेंज, तो उसके हिसाब से इलास्टिसिटी जज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उस कॉन्सेप्ट को क्या किया, डिटेल में एक्सप्लेन किया, जिसे कहा गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बात करते हैं व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नॉर्मली आप लोग इलास्टिसिटी का मतलब क्या समझते हो? ये नाम सुना इलास्टिक, कितने लोगों को पता है इलास्टिक क्या है? पता है कि नहीं बेटा क्या है इलास्टिक? मतलब क्या बेटा? रबड़ मालूम है? रबड़। अभी बताना ना पड़े इलास्टिक क्या होता है, रबड़ कहाँ कहाँ होता है, क्या होता है। आप अपने उस रबड़ के हिसाब से, जो हम लोग ऐसा उसको छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, ऐसा रबड़ लेते थे उसमें मारदाल में, वो रबड़ क्या करता था वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज। तो इलास्टिक का मतलब ही होता है फ्लेक्सिबल। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इन डिमांड, ऐसा बोल सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो सकता है सर? फ्लेक्सिबिलिटी इन डिमांड। क्लियर? तो अब क्या कहता है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल? कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ ग्रेट और स्मॉल, ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस मच और लिटल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स मच और लिटल फॉर गिवन राइज इन प्राइस। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि यहां पर अगर मैं बात करूं क्वांटिटी डिमांडेड की, किसकी बात कर रहा हूं सर? क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहा हूं। तो अगर मेरे क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आ रहे, वो चेंजेस ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। अगर ज्यादा चेंजेस है, मच चेंजेस या लिटल चेंजेस है, बट इस क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज होने का क्या कारण है? बिकॉज प्राइस मे गेट चेंजेस, प्राइस भी ज्यादा चेंज हो सकता है या कुछ चेंजेस हो सकता है। तो अगर प्राइस के स्लो मूवमेंट से या प्राइस के कुछ हद तक के मूवमेंट से अगर मेरी डिमांड चेंज हो रही है, तो उसी चीज उस पर्टिकुलर चेंजेबिलिटी ऑफ डिमांड को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने ये पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में कि सर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, तो इलास्टिसिटी में हमको ये देखना है कि प्राइस कितना कम हो रहा है या कितना बढ़ रहा है। तो अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड कितना बढ़ रहा है, और प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कितना कम हो रहा है। तो वो क्वांटिटी एनालिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? कोई अपने अपने ख्यालों में तो खोया नहीं है? अगर ख्यालों में खोया है तो अपने तारों के शहर से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ जाइए, क्योंकि जल्द ही आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है। समझा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो गया? ठीक है, इसको अगर मोटा मोटा भाषा में बोला जाए, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, तो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में जो फंक्शनैलिटी हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है, चेंजेबिलिटी हो रही है, उसमें कितना परसेंट चेंज हो रहा है वो पता करना है। मान ले कोई जैसे तुम्हारे दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है, या तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है? मान ले सर हमारी दुनिया में तो एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, बस ये दे दो सर, जिंदगी में खाना पीना नहीं दे तो भी चलेगा। हाँ मोबाइल दे दो बस, पेट भर गया सर मेरा, सुबह 7 बजे दो, रात को 12 बजे छीन लो सर, दिन भर का ना नाश्ता लगेगा ना खाना लगेगा ना रात का, सर मोबाइल से हमारा पेट भर जाएगा। मान लो इस मोबाइल के प्राइस अगर मैंने बढ़ा दिए, तो प्राइस अगर मैं 10% बढ़ाता हूं, इफ आई राइज द प्राइस बाय 10%, 10,000 का 11,000 कर रहा हूँ, 12 का 13,200 कर रहा हूँ, 15,000 का 16,500, 10% बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं प्राइस बढ़ाता हूँ तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड, तो अगर मैं प्राइस बढ़ाता हूँ
तो डिमांड चेंज हो जाएगा सर, डिमांड कम हो गया। बट अगर मैं 10% प्राइस बढ़ा रहा हूं तो डिमांड कितना परसेंट रिफ्लेक्ट करेगा वो मुझे पता करना है। क्या रिफ्लेक्ट करना है सर, कितना परसेंट रिफ्लेक्ट करने वाला है मुझे पता क्या करना है। इफ आई राइज द प्राइस, अगर मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं तो प्राइस बढ़ाने के बाद कितना परसेंट डिमांड चेंज होगा, वो जो हाउ मेनी परसेंट निकालना है ना, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि अगर मैंने प्राइस 10% बढ़ाया तो मेरी डिमांड 10% कम हो गई, 15% कम हो गई, 20% कम हो गई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 15% सेल बढ़ गई, 20% सेल बढ़ गई, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो चेंजेबिलिटी हो रही है ना बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस लेवल, इसी को बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ है ना। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई साहब आपको क्या बोला है, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के द्वारा देर आर थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स है, इनकम क्रॉस प्राइस, इनकम क्रॉस प्राइस, इनकम क्रॉस प्राइस। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तब उसके पांच टाइप्स होंगे। समझा, तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या बोला है। आपको टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला है कि आपको टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला है। समझा, दादाजी के तीन बेटे, मेरा खुद का पापा, मेरा चाचा और एक बड़ा चाचा। समझा, ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब उसमें से जो तीन बेटे, दादाजी के तीन बेटे, तो दादा हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब उसके अंदर इनकम आ गया, क्रॉस आ गया प्राइस। अब प्राइस के कितने बेटे, तो प्राइस के टोटल पांच बेटे, पांडव। यूनिटरी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्लियर है, तो ये प्राइस में आएगा। तो आपको समझना पड़े, दादा पूछा कि पापा पूछे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा कि प्राइस इलास्टिसिटी पूछा, ये समझना जरूरी है। और ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये तीनों कॉन्सेप्ट दो मार्क के लिए आएंगे। कितने मार्क के लिए आएंगे सर, या तो डिफाइंड में या तो डिस्टिंग्विश में। समझा, पक्का। नाउ एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। दिख रहा बेटा क्या दिया जा रहा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला दिया है इनकम, नाम ही बोला है इनकम। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। सर ये रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ कमोडिटी इन द इनकम ओनली, बट अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन अनचेंज। मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, लेकिन किसके वजह से कम ज्यादा होगा, इनकम के वजह से। किसकी वजह से सर, नाम ही बोला इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड चेंज होगा किसकी वजह से, इनकम। तो सब बाकी के फैक्टर क्या करेंगे, तुमको पता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ा था एक क्वेश्चन, उसके अंदर था प्राइस, हैबिट, टेस्ट, प्रिफरेंस, टैक्सेशन पॉलिसी, सुना है कि ये सब फैक्टर्स थे। तो उसके बाकी के फैक्टर क्या होंगे सर, सेम प्राइस। यहाँ पे डिमांड क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज आपका इनकम चेंज हो रहा है। सर इनकम बढ़ गया तो डिमांड चेंज हो जाएगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी चेंज हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब मैं इनकम की बात करूंगा तो बाकी के सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे सर, अनचेंज, उसमें कोई भी फर्क आने वाला नहीं है, ठीक है। ईवाई, ईवाई बोले तो
इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. क्या बोला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. क्लियर है? अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. इनकम को हम वाई से दिखाएंगे. किससे दिखाएंगे सर? अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी. क्या बोला? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल चेंज इन इनकम अपॉन ओरिजिनल इनकम. अब डिवाइड को मल्टीप्लाई करो, क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड वाई ऊपर चेंज इन इनकम. यही हो गया मेरा क्या सर? पक्का ये हो गया मेरा इलास्टिसिटी ऑफ इनकम. सर मेरे को दो नंबर चाहिए. कैसे मिलेगा बेटा? एक नंबर यहां पर और एक नंबर यहां पर. समझा? दो मार्क्स पूरे मिलेंगे. समझा क्या? अगर यही डिस्टिंग्विश में आ गया तो एक साइड में इधर एक साइड ये, तो दूसरे साइड में फर्स्ट और सेकंड ऐसा लिखने का. समझा? चलो स्टार्ट करते हैं. इधर दूसरा क्या बोलता है? क्रॉस. पहले में क्या था? दूसरे में क्या था? क्रॉस. चाहिए तो प्राइस पहले अपन डिस्कस करते हैं तो समझेगा. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है सर? डिमांड फ्लेक्सिबल है, डिमांड चेंज हो रहा है, बट इसका इसका रीजन क्या है? प्राइस. इफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ प्राइस, इसका मतलब बाकी की चीजें क्या रहेगी सर? सेम. यहां पे प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोलता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो. रेशियो किसका? प्रोपोर्शनेट चेंज. सब प्रोपोर्शनेट मतलब परसेंटेज चेंज. प्रोपोर्शनेट चेंज मतलब परसेंटेज चेंज इन व्हाट? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी. खाली क्वांटिटी डिमांडेड नहीं लिखने का, पूरा है. क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू, टू मतलब अपॉन अ गिवन. प्रोपोर्शनेट मतलब परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये जो दो अपॉन लिखा है इसी को उसने सेंटेंस बनाया है. क्या बोला है सर? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो, इज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस या इन इट्स प्राइस. अब जो सेंटेंस लिखा वही सेंटेंस को फॉर्मूला बना दिया एंड आपका सिंबॉलिक. इस पर भी एक मार्क और इस पर भी एक मार्क. जब ये दो मार्क के लाएगा तब है ना. और तीसरा होता है बेटा क्रॉस. तीसरा क्या होता है? क्रॉस. क्रॉस नाम ही बोला, क्रॉस कनेक्शन. क्रॉस क्या बोलता है सर? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी. ओ हो मतलब आपके पास दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होना जरूरी है. कितने गुड्स सर? दो. वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकते हैं या सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकते हैं, एक दूसरे के अल्टरनेटिव. मान लो मैंने कहा कोई मेरे घर पे आया या क्लास में आया तो मैं उसको बोलूंगा सर चाय पियोगे कि कॉफी पियोगे. ये दो अल्टरनेटिव है, दो एक दूसरे के क्या है सर? सब्स्टिट्यूट है. अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट क्या आता है पता है? अरे सर कुछ भी पिला तो चलेगा, अपना ही है. चलो ठीक है. हेलो चाय सर, चाय का भाव बढ़ गया. बोले कितना? बोले 200 रुपया कटिंग. मतलब कॉफी कितने का है? बोले सर 12 रुपया. ठीक है
कल तक चाय थी 7 रुपया, आज हो गया? ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, जब मैं बोल रहा था चाय की डिमांड मैं करता हूँ, 7 रुपए की चाय, 12 रुपए की कॉफी, तो ऑब्वियसली मैं 7 रुपए की चाय पीना पसंद करूंगा। लेकिन जब चाय का प्राइस क्या हो गया, तो बोल रहा है 10 रुपए की चाय पीने से अच्छा है 12 की कॉफी पीऊंगा। यानी यहाँ पे मेरा क्या हो रहा, डिमांड ऑफ अ कॉफी राइजेस, यहाँ पे डिमांड ऑफ अ कॉफी राइजेस, बट इसका रीजन कॉफी का प्राइस नहीं है, इसका रीजन है चाय का प्राइस। क्योंकि चाय का प्राइस बढ़ गया इसलिए मैंने डिमांड क्या की, कॉफी भी। समझा? तो क्रॉस मतलब, क्रॉस का मतलब होता है आग किसी और के घर में लगी, बदलाव मैंने लाया। प्राइस किसी और का चेंज हुआ और डिमांड किसी और का आपने किया। आप क्या बोलते हो, भट्ट के पास गए भाई चाय दे, बोला हाँ सर चाय कितने है, 10 का। अबे 10 का चाय तेरे पास पीने से अच्छा सामने अमृत तुल्य में नहीं पीऊँ मैं। सिंपल सा लॉजिक यही है ना, तो यही है। ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होने से डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी अराइजेस। यानी यहां पर क्या होता है, एक कमोडिटी का प्राइस दूसरे कमोडिटी के डिमांड को फ्लक्चुएट कर सकता है। समझा? जैसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ बी कमोडिटी। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं सर, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात समझ में आ रही है? यस और नो? ये यहां पर भी सेम, 1 मार्क इधर और 1 मार्क आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फॉर्मूला भी अपने को मिल सकता है। 2 मार्क का क्वेश्चन है। अगर डिस्टिंग्विश में पूछा तो ऑब्वियसली बीच में लाइन गिराने का, इधर वन लाइन, नीचे सिंबॉलिक, नीचे सिंबॉलिक, दैट्स इट। अननेसेसरी पकाने की कोशिश करने का नहीं, समझा? जितना पूछा है उतना ही करने का, ज्यादा अपने दिमाग को चलाने का नहीं। नेक्स्ट नाउ कम टू बेटा, ये दादा की पापा, ये पापा, दादा वाला क्या था, उसके अंदर 3 बेटे थे, क्रॉस प्राइस इनकम। अब ये प्राइस के 5 बेटे, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, 8 मार्क के लिए कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है? प्राइस की इलास्टिसिटी, दोनों में से कोई एक आएगा तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। पूछा इलास्टिसिटी है, तुम प्राइस के 4 टाइप लिखोगे तो मार्क्स कम मिलेगा, कम मतलब सिर्फ 1 या 2 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपने अननेसेसरी पकाया है। लिखा है मार्क्स, वेरी गुड लिखा है, लेकिन अननेसेसरी मत करो। अब यहां पर 5 टाइप्स है प्राइस इलास्टिसिटी के, कितने टाइप्स है सर, 5। पहला यूनिटरी रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। इसमें सबसे पहला जो लाइन होगा वो होगा सर पहला मीनिंग, पहला क्या होगा, मीनिंग। दूसरा अपन क्या करने वाले बोले, मैं अपन थोड़ा सा छोटा सा सम करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाकर अपन क्या करेंगे, छोटा सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अराइव करेंगे, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन निकालेंगे, एंड उसके बाद उसका डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर, अपन डायग्राम, एंड लास्ट में अपन उसको क्या दिखाएंगे, उसका स्लोप कैसा है, फ्लैटर है, स्टीपर है, कैसा है। 4 पॉइंट में अपन करेंगे। अगर इसका 4 आ गया, 2 मार्क का, तो ऐसे ही 4 लिख देना, हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली क्या करने का, लिखने का, ठीक है? तो पहला आ जाओ, नाम क्या है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला लाइन सिंपल जी बोला बेटा, क्या बोलता है बेटा, When the change in the price of a commodity brings the change in the same proportion. ठीक है, the demand of that commodity, it is called unitary elasticity of demand. भाई साहब, जितना percentage price आपका change हुआ है उतना ही percentage fall या rise आएगा demand में। मान लो अगर आपका price 10% बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो डिमांड
कम होएगा, तो डिमांड भी क्या होगा सर, फॉल। समझा, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या होगा, फॉल। बट कितना परसेंट, 10%, यहां पे 10%, यहां पर भी क्या आएगा सर, 10%। सिंपल है, भूलने लॉ डिमांड भूलने का नहीं, बेसिक जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। बस आपको क्या देखना है, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। सिंपल। तो इसके बाद ईडी, कितना परसेंट डिमांड चेंज हुआ सर, 10%। प्राइस कितना परसेंट चेंज हुआ सर, 10%। कैंसिल करने पे 1 आता है क्या, तो ईडी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। ये हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंपल। उसके बाद यहां पर क्या करना है सर, सबसे पहले आपको यहां पर आपका नेचुरल डिमांड कब बनाना है, सबसे पहले आपको ये लाइन बनानी पड़ती है। समझा, सबसे पहले आपको ये लाइन बनानी है, क्या बनानी है सर। अब देखो जरा बेटा, अगर इसके बीच का गैप 1 सेंटीमीटर है, कितना है सर, 1 सेंटीमीटर, तो यहां का गैप भी कितना होगा सर, 1 सेंटीमीटर। समझा, यहां पर डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। 1 सेंटीमीटर अगर नीचे की तरफ ले रहे हो तो यहां पर भी कितना लेना सर, 1 सेंटीमीटर, तो ही करेक्ट बनेगा। आपने क्या क्या बोला सर, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो आपको यहां पर दूसरा डायग्राम ऐसा भी बना सकते हो, ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। पहला आपको क्या करना है सर, प्राइस और क्वांटिटी पहला बना के लेना, पहला क्या करना, प्राइस और क्वांटिटी बढ़ाना है। प्राइस अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर ले रहे हो तो क्वांटिटी 1 सेंटीमीटर अंदर लेने का, यस और नो, पक्का। प्राइस अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो क्वांटिटी 1 सेंटीमीटर अंदर लेने का, एंड उसके बाद आपका जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो आपका हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा हो जाएगा सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस को बढ़ाना है कि प्राइस को कम करना है। बेटा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपकी मर्जी से बनता है कि कैसे करना है। यहां पर पूरा गेम आपका क्या है सर, मेजरमेंट का है। 1 सेंटीमीटर अगर ऊपर गया तो 1 सेंटीमीटर अंदर की तरफ आएगा सर। अगर 1 नहीं, मैं ऊपर 1 किया और नीचे 2 सेंटीमीटर लिया तो वो चेंज हो गया, दूसरे वाले शिफ्ट इसमें शिफ्ट हो जाएगा। समझा, तो यहां पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, याद रखो कि प्राइस अगर 1 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी भी 1 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है, तो ये सारी चीजें बनाने का कोशिश करने का, ठीक है। दूसरा डायग्राम क्या होता है बेटा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यहां पर वही होगा कि अगर 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 प्राइस आपका 10% बढ़ गया, प्राइस बढ़ता तो डिमांड कम होता है, तो कितना परसेंट, 10 से ज्यादा 11 12 13 भी हो सकता है, कुछ भी होता है, 10 का डबल कर 20, कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। क्या बोलता सेंटेंस, व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग अबाउट मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड, मतलब जितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ है उससे ज्यादा परसेंट आपका क्या चेंज हो रहा है सर, डिमांड। यानी अगर प्राइस 10% चेंज हो रहा है तो डिमांड 20% चेंज हो रहा है। इट इज फॉर एग्जाम्पल ओनली, मतलब 20% ऊपर, प्राइस 10% नीचे, कैंसिल किया तो 2 आएगा, तो ईडी का वैल्यू कितना गया, 2। इसका तो ईडी जो है वो 1 से ज्यादा। ये हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। समझा, पक्का। अब इसका वही हो गया कि यहां पे अगर मुझे कितना लेना है सर, अगर मुझे यहां पर मुझे 1 सेंटीमीटर लेना है, कितना लेना सर, 1, तो यहां पर कितना लेना पड़ेगा सर, 2 सेंटीमीटर। डबल ले लो, क्या ले लो, डबल। तो यहां पे जो डायग्राम बनेगा वो सीधा भी लाइन बना सकते हैं अपन, डीडी बना है। तो ये जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, फ्लैटर स्लोप। कैसे बनेगा, समझा, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाओ, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। क्लियर है क्या, पूरा काम किसका है सर, सेंटीमीटर का काम है। यहां पर क्या याद रखो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी यहां पर आपको एक जगह पे 1 लिया तो दूसरी जगह पे सर, मैं अगर यहां पे 1 लू तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है, तो वो किधर शिफ्ट हो जाएगा सर, रिलेटिवली इन इलास्टिक में, पक्का।
पर चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वहां पे मोर देन था, यहां पर क्या हो जाएगा लेस देन, वहां पर क्या था मोर देन, यहां पर क्या था लेस देन, और यहां पर क्या है लेस देन, समझा? चेंज इन द प्रोपोर्शन, यानी अगर मेरा प्राइस 10% चेंज हो रहा है तो डिमांड 5% कर दो, आधा कर दो, मतलब अगर मेरा यहां पर 1 सेंटीमीटर बनता है तो यहां पर 0.5 ले लो, यहां पर 2 ले रहे हो तो यहां पर क्या ले लो 1, डिपेंड उल्टा कर दो, समझा? तो यहां पे जो आपका डिमांड का बनेगा वो बनेगा आपका प्योरली स्टेपर का। अगर डायग्राम के क्वेश्चन के हिसाब से करोगे तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, मान लो 0.5 और यहां पर आ गया 1, या फिर जैसे मैंने यहां पर बताया 5 आपका डिमांड हो गया यहां पर 10, तो 0.5 आएगा, तो ईडी का वैल्यू 1 से क्या है छोटा है, तो आपका स्लोप क्या आ गया ईडी इज लेस देन 1, पक्का ईडी इज लेस देन 1, पक्का। आगे बात करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहां पर क्या होगा पता है, प्राइस रिमेन सेम, पहले वाले में क्या सेम रहेगा सर प्राइस, इलास्टिक में प्राइस सेम रहेगा, इन इलास्टिक में डिमांड। व्हेन नो चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, व्हेन नो चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट द इनफिनाइट चेंज, मतलब डिमांड चेंज होता रहेगा, बट प्राइस क्या हो रहा है सर सेम, प्राइस क्या रह रहा है सर सेम, प्राइस अगर आपका क्या रह रहा है सर सेम रह रहा है, प्राइस आपका क्या रह रहा है सेम, भले डिमांड आप ऐसा लिखो अंदर लो बाहर लो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, है ना, डिमांड का लेवल आप क्या करो अलग अलग कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ पे लिखा तो भी क्वांटिटी, यहाँ पे लिखा तो भी क्वांटिटी, यहाँ लिखा तो भी क्वांटिटी, उससे उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है सर, प्राइस क्या है सर सेम, तो अगर मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करूं तो यहां पे क्या चेंज हो रहा है सर, सिर्फ डिमांड चेंज हो रहा है, प्राइस क्या है हमेशा जीरो है, प्राइस अपनी जगह पर क्या है जीरो है, तो इन दैट केस ईडी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर इनफिनाइट, हाँ है ना, पक्का। और लास्ट क्वेश्चन, अच्छा यहां पर डिमांड कब कौन सा था आपका, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब यहां जाओ, वेन द चेंज इन द प्राइस विद नो इफेक्ट ऑफ क्वान्टिटी डिमांडेड, अब यहां पर क्या हो रहा है सर प्राइस चेंज हो रहा है बट डिमांड क्या है सर, डिमांड रिमेन्स सेम, प्राइस ऊपर करो नीचे करो फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब डिमांड अपनी जगह पे जीरो है, बिकॉज नो चेंज इन डिमांड, आप 10 ऊपर नीचे कर दो तो आंसर जीरो ही आने वाला है, तो यहाँ पे ईडी का वैल्यू क्या आ गया सर जीरो, इसका मतलब द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू y एक्सिस, समझा, हाँ है ना। चलो माय डियर एक चीज भाई को बताओ, कितना डिमांड अपन ने डिस्कस किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यस और नो, उसका डिमांड कर्व मेरे को बताने का, डिमांड कर्व और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, देखते कितने लोगों को याद है। पांच टाइप कौन बताएगा मेरे को, 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, कोई माइकल आलिया लल्ली बताएगा, 1, 2, 3, 4, 5, बाजू वाला बताएगा तो तुम भी बताएगा, ऐसा नहीं 6 और 7, 8, पांच टाइप, पहला कौन सा है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और परफेक्टली पहले इलास्टिक लेते हैं, प्रॉब्लम है डिमांड कर्व, यूनिटरी का डिमांड कर्व क्या था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ईडी इज इक्वल टू 1, रिलेटिवली इलास्टिक का
स्टीपर के फ्लैटर, फ्लैटर और इसका स्टीपर, इसका इट इज मोर देन वन, इट इज लेस देन वन, इसका पैरेलल टू एक्स एक्सिस और यहां पर पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्लियर है? पैरेलल टू एक्सिस इज व्हाट है, ईडी इज इक्वल टू इनफिनिट और ईडी इज इक्वल टू जीरो। प्रॉब्लम ये पांच क्यों बता वाले मैं, वन मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है इस पे, और एक बार तो आपके साथ पुराने पेपर में एक बार ऐसा कांड हो चुका है, पूरा का पूरा मैथ्स का कॉलम ही दिया था ये, एक साइड पे ये लिख दिया, एक साइड पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो बनाओ, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यस और नो? आगे बढ़ते हैं, पक्का? इसके अलावा अपने ज्योमेट्रिक मीन वगैरह भी है, लेकिन वो दीज आर द क्वेश्चन विच इज नॉट, बोलते ना, इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, बट वो करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि नहीं, पहले इतना करो उसके बाद आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन का, पहले इतना तो देखो। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन कराने का, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर डूइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार ये रिवीजन में हो गया, आपको लगता है मैंने जितना किया उतना मेरा परफेक्ट हो गया, उसके बाद आप जो भी करोगे वो आपके लिए एडवांटेज है। सिर्फ लेके लगे रहना ऐसा जरूरी नहीं है, जितना करोगे उतना परफेक्ट होएगा। तो जितने क्वेश्चन इसमें, ज्यादातर दो ही क्वेश्चन में कंफ्यूजन आता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद आप ज्योमेट्रिक मीन, पॉइंट मेथड, ये सब भी करेंगे तो भी आपके लिए सही है, लेकिन पहले इतना तो करो। बाद में जब हम लोग और भी कुछ करेंगे, रिविजन वगैरह करेंगे, तो उसमें वो क्वेश्चन आए तो वहां पर मैं एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, लेकिन पहला मेरा मेन मोटिव यह है कि पहले इतना तो एटलीस्ट बनना करना चाहिए, ठीक है? डिफिकल्टी है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने करा उसको अच्छी तरीके से करना, कोई भी डिफिकल्टी रहेगी तो मेरे को बताना, रिवाइज करो।